राकेश ने माना शमिता को अपनी गर्लफ्रेंड। जी हाँ, इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी ये तो हमको पता था, लेकिन इतनी जल्दी ये बात कबूल लेंगे कि शमिता उनकी गर्लफ्रेंड है, ये चीज़ देखकर आज हम काफ़ी सरप्राइज हो गए। दरअसल यहाँ पर करण ने थोड़ी सी मस्ती क्या की कि राकेश उस मस्ती के जाल में फंस गए। करण जौहर सभी से पूछने लगे कि किस किस के घर में गर्लफ्रेंड है, यानी कि GF है। उन्होंने गर्लफ्रेंड नहीं बोला, GF बोला कि आखिर किस किस को घर में जो है GF है। जिसके बाद राकेश ऑब्वियसली GF का मतलब हम लोग यूजुअल लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड मानते हैं, तो वही मानने लगे और कहने लगे हाँ मेरी तो घर में GF है। और उन्होंने शमिता की तरफ देख के कहा कि हाँ मेरी GF है, मैं शमिता को अपनी GF मानता हूँ। करण ने क्रॉस चेक भी किया तो भी राकेश बोले कि हाँ हाँ ये मेरी GF है, मैं इसको GF मानता हूँ। यहाँ शमिता काफ़ी ब्लश करने लगी ये सुनकर कि राकेश क्या कह रहे हैं। और फिर करण ने जो बोला उसके बाद तो शमिता के एम्बैरेसमेंट का कोई लेवल ही नहीं था। करण ने बताया कि यहाँ पर वो GF का मतलब गलत फहमी बोल रहे थे। जी हाँ, हर हफ्ते गलत फहमी के गुब्बारे फुड़वाए जाते हैं घर वालों से और उसी GF की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो राकेश ने शमिता को ही अपनी GF बोल डाला। जिसके बाद शमिता काफ़ी शर्माती हुई नजर आई और कहने लगी कि करण आप ऐसा क्यों करते हो, हर बार आते हो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हो और उसके बाद मैं एम्बैरस हो जाती हूँ। बाहर जो सब लोग देख रहे होंगे क्या सोच रहे होंगे, यही बोल रहे होंगे कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को मान बैठे हैं। भाई राकेश और शमिता के बीच की नज़दीकियाँ किसी से छुपाए नहीं छुप रही हैं। जिस तरीके से शमिता जो है अभी से ही राकेश के लिए पोजेसिव हो रही हैं और राकेश भी हर मौके पर शमिता को संभालते हुए नज़र आते हैं, इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता तो है ही। अब ऑफिशियल भी कर दिया है राकेश ने बातों ही बातों में, तो अब शर्म कैसी, लाज कैसी और एम्बैरेसमेंट कैसा शमिता। आप भी कबूल लीजिए राकेश को अपने बॉयफ्रेंड की तरह से। भाई आपके फ्रेंड्स जो हैं ऑलरेडी आपको शारा की तरह शिप जो कर रहे हैं बाहर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग शारा फैंस, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी खबरें लगातार हम आप तक पहुँचाते रहें और आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े।